काम है मिस्टर जान, आप फिर से? आप अंदर नहीं जा सकते, यहाँ मिस्टर फाबरी नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर जान? यहाँ प्रॉब्लम मत खड़ी कीजिए। आई टोल्ड यू मिस्टर फाबरी यहाँ नहीं है। पुलिस को बुलाओ। हाँ मिस्टर जान, मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा था। आइए बैठिए। तूने सनम का परफ्यूम क्यों लिया? एक्चुअली उसने मुझे वो दिया है। मैं कहाँ उससे वो छीनने वाला था। सर, सनम ऐसा करेगी ये बात तुझे अच्छे से पता थी। वो मुझे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ, मैं सब कुछ प्लान करके रखता हूँ। मैं सब कुछ एडवांस में करता हूँ। और शायद हम दोनों के बीच में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। मैं तुझे सनम का परफ्यूम मार्केट में नहीं लाने दूंगा। रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ठीक है, मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिससे पता चलता है कि वो परफ्यूम मेरा है। प्लीज लुक एट दिस। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जो कर रहे हो वो एक क्राइम है। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। ताकि है कि तुम जेल में जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। परेशान मत हो, मैंने पुलिस को ऑलरेडी कॉल कर दिया है। और वो मुझे लेने नहीं आ रही है, तुझे लेने आ रही है। मेरे लिए? पर क्यों? मिस मैंने आज मुझसे मिलने आई थी और उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी तारीफें की। बाकी तारीफ पुलिस आकर कर लेगी, है ना? आलिन युक्सल, आप हैं? हाँ मैं ही हूँ। मैं कमिश्नर एयरजन हूँ, क्राइम ऑफिस से आया हूँ। आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इन्हें सर्च करो। एक मिनट, आप ये क्या कर रहे हैं? नॉनसेंस, मैंने कोई गलत काम हमारे नहीं लिए है। परेशानी खड़ी मत कीजिए, हमारे पास आपके खिलाफ ठोस सबूत है। आप एंजो फैब्री के साथ इन्वॉल्व थी। जस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है ऑफिसर। मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ। आप जिस कंपनी में काम करती हैं वहाँ की सीक्रेट्स आपने बेची हैं और आप इलीगल शेयर्स असाइनमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, आपको गलत फहमी हुई है। आप चाहिए तो अपने लॉयर से बात कर सकती हैं। फिलहाल आपको जेल में चलना होगा, अभी इसी वक्त। जेल में? व्हाट नॉनसेंस। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं आना है तुम्हारे साथ। छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया है। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए, मैंने कहा छोड़िए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या कर रहे हैं आप? देखिए, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने कुछ नहीं किया है। जज को बताइए, ठीक है मिस आइलिन, ले जाओ। आप मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा यकीन मानिए, आप मुझे जेल में नहीं डाल सकते, मैंने कुछ नहीं किया है। ट्रस्ट मी। एंजो फाइमरी आपो? जी हाँ। मैं हूँ कमिश्नर फिरात, क्राइम ऑफिस से। आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। खबर मिली है कि आपने इलीगल प्रोडक्शन किया है, हम आपकी कंपनी सील कर रहे हैं। तेरे लिए एयर फ्रेशनर भेज दूंगा। देखो इसे, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे हंसी आ रही है। लोग कहते हैं कि जो इंसान आखिर में हंसता है वो खुल के हंसता है। ये बिल्कुल सच है। मुझे हंसी आ रही है। चिल्ला क्यों रही हो तुम? मुझे आइलिन आई ऐसा लगा। मैं आइलिन हूँ? तुम आइलिन ही लग रही हो।
आइलैंड जैसे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे कपड़े उसके जैसे ही हैं। नॉनसेंस है। वो हाई हील्स जैसे 15 सेंटीमीटर के हैं और तुम्हारा फेस तुम बिल्कुल उसके जैसे बनने की कोशिश कर रही हो क्योंकि तुम उसका खिलौना थी, पता है मुझे। तुम उसकी जगह लेना चाहती हो, है ना पुलिस? वाकई बहुत बकवास कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से, मुझे चेक करना है। उसे फाइनली जेल हो गई। हाँ, और कोई कभी किसी की जगह नहीं ले सकता है, पर एनीवेज ऊपर वाला सबका भला ही करे। ऊपर वाला उनकी मदद करे जो लोग आइलैंड के साथ जेल में हैं। तुम्हें एक बात बताऊं गुलीस, अब यहाँ काफी शांति है ना एजेंसी में, शांति और पीस, ऐसी जगह जो बिना आइलैंड की है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। संभल के पोर करो। जी जी मैं नहीं कर सकती, मैंने कहा ना तुमसे। जल्दी से इसे साफ करो, मिस्टर जान आते ही होंगे, उन्हें ये नहीं दिखना चाहिए। तुम साफ करो। मैं साफ करूं? हमेशा मैं ही क्यों साफ करूं? हाँ सनम, तुम साफ कर लो, मैं अभी आया। सनी मैं अपने रूम में जा रही हूँ, ठीक है? हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग नेबर। गुड मॉर्निंग जे जे। सनी क्या हुआ, तुम अजीब लग रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है, अब मैं अकेली हो गई हूँ, यहाँ जान इसका है क्या ही मतलब नहीं। है क्या हुआ है? वो चले जाएंगे। हाँ वो चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो, मुझे ठीक से एक्सप्लेन तो करो सनम। शायद अब तक तो वो चले भी गए होंगे। लेकिन कहाँ, मुझे ठीक से बताओ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम? फैब्रिक को परफ्यूम दिया था, ये बात उन्हें पता चल गई। उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम मेरे लिए स्पेशल नहीं। नहीं वो ऐसा नहीं कह सकते, मुझे यकीन है कि उनके कहने का ये मतलब नहीं था। और वहाँ पोलन थी जब मैं माउंटेन हाउस गई थी। और वो कोई और होगी, पोलन नहीं, तुमसे गलती हो गई, तुमने सिर्फ उसके पैर देखे होंगे और तुम्हें लगा होगा कि वो पोलन है। क्या अब तक जान नहीं आए? नहीं अब तक नहीं आए, वो चले गए शायद। नहीं वो नहीं जाते, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो नहीं जा सकते। अगर वो जाते हैं तो लौट कर आते हैं, शायद उनका अभी दिल टूटा है पर वो जरूर लौटेंगे। अगर तुम जाती हो तो तुम भी वापस आती हो, उन्हें ऑफिस आना ही होगा, ऐसा हम सब करते हैं, वो जरूर वापस आएंगे, मुझे ऐसा ही लगता है वो जरूर वापस आएंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम अभी जाओ और वापस आओ, वो आ जाएंगे। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। जरूर जरूर, तुम बिल्कुल सही एड्रेस पर आई हो। यहाँ ऑफिस में खाली खाली जगह है कोई? कोई ऐसी जगह जहाँ तुम्हें कोई देख ना पाए, जहाँ तुम जी भर के रो सकते हो? जी भर के रो। आर्काइव रूम है ना, तुम वहाँ जो मर्जी कर सकती हो सनम। बिल्कुल ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है सनम, लेकिन ज्यादा मत रोना। ओके ओके बाय बाय, और शांति से रोना। गुड मॉर्निंग। अरे हाँ, ये मुझे लेना है ना। मिस्टर एम्ब्रे। लैला, क्या हम बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बैठो ना। आओ। नहीं मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, कुछ इम्पोर्टेंट है इसीलिए। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। आइलैंड इज गॉन। मैं आपसे सनीम और जान के बारे में बात करने आई हूँ। ओह सच में? हाँ। सनीम बहुत उदास है, मिस्टर जान उससे नाराज है क्योंकि उसने फैब्रिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मैं समझ सकती हूँ, पर ये बात आपको भी पता है कि उसने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि वो उससे प्यार करती है। हाँ बिल्कुल सही, पर उसने डिसअपॉइंट किया है मिस्टर जान को, और आपको ये पता है, उसने कई बार मिस्टर जान को ये बताने का ट्राई किया, और आप जानते हो कि हाउ हार्ड शी ट्राइड, उसने कितनी बार कोशिश की है इस बारे में। हाँ पर कभी कभी इंसान की मजबूरी होती है, एंड यू कांट हेल्प इट। सनम के प्लीज हेल्प कीजिए मिस्टर एम्ब्रे, प्लीज। वो लोग खुश रहना चाहते हैं, ये एंड नहीं होना चाहिए। तुम्हारा क्या लेना, क्या तुम खुश नहीं रहना चाहती? आई एम ऑलरेडी हैप्पी, प्लीज हेल्प सनम, आई रिक्वेस्ट यू, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो लैला, उस दिन मैंने तुमसे कुछ पूछा था, मैं आइलैंड के साथ इस गलत फैमिली में तुम एंगेज हो गई, उस्मान के साथ? नहीं, मुझे पता है कि हम दोनों एक नहीं हो सकते, हम इक्वल नहीं है, आप और मैं एक नहीं हो सकते।
चेक किया है। माय डियर फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पोस्ट कहाँ है? मुझे टेबल पर नजर क्यों नहीं आ रही? वहाँ बैठोगी तो नजर आएगी ना। ऐसी ही चलती रहोगी तो लोगों का स्ट्रेस बढ़ाओगी और कुछ नहीं। चुप रहो जीजे। मुझे क्यों हर्ष कर रही हो? क्या मैं सही नहीं हूँ? मेरी बात सही नहीं है, बताओ मुझे। चुप हो जाओ जीजे, आराम से काम करो। ठीक है ठीक है, पर मैं ही सही हूँ। सनम, तुम्हारा रोना हो गया, कैसा रहा? हा? रोना हुआ? ऐसा नहीं लग रहा कि तुम ज्यादा रोई। अरे तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। डोंट डील विद मी, जाना गए? नहीं, अब तक तो नहीं आए हैं। तुम थोड़ी शांत हो जाओ। इमेजिन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हारे जैसे बिहेव नहीं करता। वो आएंगे, जरूर आएंगे। ओके, मेरी जगह तुम नहीं होना, इसलिए तुम रिलैक्स। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं समझ सकती हूं। अच्छा, अब तुम बुरा मान गई? ठीक है, अगर तुम वो टाइम पर लोगे तो मैं तुम लोगों से नाराज नहीं रहूंगी। सुनो, रेड मोड के लिए एग्जांपल्स कहाँ है? कहाँ है वो? और वो बैंड जो पार्किंग लॉट में गाना गाने वाला है, क्या उन्हें तुमने कॉल किया? पार्किंग लॉट? कौन सा पार्किंग लॉट? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। क्या हम सब यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए आए हैं? स्टैंड अप एंड डांस, हम यहाँ डांस करने नहीं आए। काफी इंटरेस्टिंग। मुझे प्रॉपर वर्क चाहिए, प्रॉपर वर्क। देखा तुमने, इसे कहते हैं एक हार्ड वर्किंग वुमन। वैसे तुम्हारा भाई कहाँ है? वो जल्दी आ जाएगा मॉम। और कास्टिंग एजेंसी लिस्ट कहाँ है? कहाँ है? अब क्या मुझे सब फॉलो करना पड़ेगा? बोलो। वो आ गई है मिस डेरिन, मिस्टर जॉन को सेंड की है, अप्रूवल के लिए वेट करें। हाँ। मिस्टर जॉन कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ मैं। था ना, hey guys, how's it going? Mr. John finally आ गए। Good morning. Good morning. God's sake, जब आप लेट आते हो, हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अब तक आप कहाँ थे, बोलिए। Okay, calm down, Darren, अब मैं यही हूँ। Okay, so let's talk business now. निहान, तुम्हें मेल किया है, तुम्हें कुछ कलर करेक्शंस करने पड़ेंगे। डेरिन, तुम्हारा ईमेल पढ़ लिया है, आइडियाज काफी ब्राइट हैं, पर मुझे उसके रिजल्ट्स कंपेयर करने हैं, तो थोड़ी रिसर्च करूंगा मैं। ओके गाइस, हमें फुल एनर्जी के साथ काम करना है। यहाँ गैदर हो जाओ, कुछ डिस्कस करना। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप ठीक तो है ना? सनम, हमें यहाँ एक दूसरे की हेल्प नहीं पूछनी है। तुम्हारे पास अभी बिजनेस के लिए क्या है? हाँ, मैंने वर्ड स्टोरी लिख दी है कैंपेन के लिए, लेकिन उनके ये रही जर्नी टू द इम्पॉसिबल, और ये रहे विजुअल्स। ओके, अच्छा है, हम ये मीटिंग के बाद पढ़ लेंगे। ओके, कोई कलर अल्टरनेटिव्स है तो प्लीज बताओ। टीम ने विजुअल डिजाइन कंप्लीट कर लिए हैं और हमने मेन कलर भेज दिया है मैकिनन को। हमने उन्हें एक डिटेल्ड ईमेल भेजा है, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। सुपर्ब सुपर्ब, फिर तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने मैकिनन के साथ प्लान किया था। वो कंपनी जो चिप्स बनाती है वो पुराने कस्टमर। मिस्टर जॉन, हमने एक स्टडी कर ली थी, उनके ऑप्शन के हिसाब से वो हमें सेंड कर ही देंगे। ठीक है, फैबुलस, सुपर्ब, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक्स। हम अच्छा जा रहे हैं, चलो नाउ लेट्स गेट बैक टू वर्क, कम ऑन। आई एम वेटिंग, just do your work. वाह भाई, तुम कितने लेट आए और काम कितना फास्ट कर लिया। हाँ, एक्चुअली हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए एम्रे, हमें जल्द से जल्द काम खत्म करना चाहिए, फिनिश करना होगा। पर इतनी जल्दी क्या है? पहले ही चीज है फैब्री और आइलैंड की वजह से डीले हो गई है, और हम हमारे स्केड्यूल से काफी पीछे चल रहे हैं। हमने काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। हाँ हाँ, पर पहले हमें कुछ करना होगा आइलैंड का। आइलैंड? आइलैंड तो अरेस्ट हो चुकी है भाई। हाँ, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके अभी भी हमारी कंपनी में शेयर्स हैं। पर मेरे पास एक आइडिया है उन्हें वापस लेने का। और वो क्या है? अगर वो हमें शेयर्स वापस कर देती हैं। कैसे? तो हम हमारी कंप्लेंट वापस ले लेंगे और उसे बता दो कि इस तरह वो जेल भी नहीं जाएगी। आई अंडरस्टैंड, अच्छा आइडिया है, पर उसने जो कुछ भी किया है उसके बावजूद तुम ये करना चाहते हो? इमरे, मुझे इस कंपनी को वापस वही ले जाना है जहाँ वो थी, उससे भी बेहतर मुकाम पर एक्चुअली, और मुझे अब वही करना है, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइलैंड अंदर रहे या बाहर रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कहने का ये मतलब है कि अब वो इस मार्केट में और काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उससे ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुकी है, तो मुझे डाउट है कि कोई भी उसके साथ काम करना चाहेगा। ठीक है, आई विल टेक केयर यू, डोंट वरी। शिट सनम, क्या कर रही हो तुम? आई लव हिम, और
मैं बहुत अपसेट हूँ, और तुम क्या कर रहे हो? मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ, बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ। तुम अपने प्यार को इस पॉइंट तक लाई कैसे? अब वो एक डेडलॉक बन गया है। मेरी वजह से? ऑफ कोर्स मेरी वजह से तो नहीं, क्या मैं गया था फैब्रिक के पास अपना परफ्यूम देने? मुझे ये सब कंपनी को बचाने के लिए करना पड़ा, जान जेल में थे उनके लिए करना पड़ा। मुझे तुम, मैं तुम्हारे प्यार का मर्डर नहीं करने दूंगा, तुम समझ रही हो? देखो तुम खुश रहोगी, तुम ये डिजर्व करती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। मुझे एजेंसी में कुछ भी नेगेटिव नहीं चाहिए, मुझे यहाँ कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए, सुन रही हो ना तुम? हाँ सुना जी जी, क्या तुम चुप रहोगे? तुम हमेशा ऐसे सबका अटेंशन अपनी और क्यों खींचते हो? वो मेरा चेहरा नहीं देख रहे, मुझे नहीं देख रहे। नहीं देख रहे क्योंकि तुम उनकी तरफ ऐसे देखती हो जैसे एक बिल्ली खाने का इंतजार करती है। बिल्ली? बिल्ली जैसे? हाँ बिल्कुल बिल्ली जैसे, म्याओ। फिर मैं क्या करूँ? मैं कैसे उन्हें देखूँ? या मैं उनकी तरफ देखूँ ही नहीं, या फिर जब वो मुझे देखेंगे तब मैं अपना मुँह फेर दूंगी, या फिर अब से मैं उन्हें देखूंगी ही नहीं। हाँ अब से मैं उन्हें देखूंगी। हाँ उन्हें मत देखो, पोलेन को उनके तरफ देखने दो, जेदा को उनके तरफ देखने दो, मैं नहीं देखूं। तुम मत देखो, उन्हें देखने दो, ठीक है? तुम ये सब क्या हो गया रोजी जी? वो अभी बिजी है इसलिए वो तुम्हें देख नहीं रहे, समझ रही हो? मैन आर लाइक दिस, ये काफी सिंपल है, मर्दों के लिए बिजनेस प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रियली? और नहीं तो क्या? हाँ ओके, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? यू जस्ट बी योर सेल्फ। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले जैसे सनम बनो, वो जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस था। मुझे ये सनम पसंद नहीं है, मैं तुम्हें निकाल दूंगा, गेट आउट, निकाल दूंगा तुम्हें। तुमने इस आदमी को अपने प्यार में गिराया, उसे एक भीगी बिल्ली बना दिया जो तुम्हारे घर पे स्लीपर्स पहनता है, द ग्रेट जॉन डेविट। मैं अभी भी जिंदा हूँ। ना बात, सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा, तुम उनके अंदर प्यार जगाओ, तुम्हें उन्हें बताना होगा कि तुम प्यार के लायक हो। और अब मुझे मेरी फेमिनिटी वापस जिंदा करनी होगी। लेकिन जरा संभल कर। I must be wise. Yes. क्योंकि जान मेरे माइंड से ज्यादा प्यार करते हैं। प्यार करते थे। Past tense use मत करना, कभी मत use करना। वो अभी तुमसे प्यार करते हैं, वो प्यार करते हैं। मैं तुम्हारा ये प्यार खत्म नहीं होने दूंगा। धीरे बोलो। ठीक है, I'm going. ठीक है, मैं चलता हूँ। Can we talk, John? थोड़ी देर बाद चलेगा क्या? हाँ ये काफी अर्जेंट है, मीटिंग के बाद मैंने टेक्स्ट में कुछ चेंजेस किए थे, आप चेक कर लीजिए एक बार, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हम ये मैकिनन को भेज देंगे। Of course, business से related है तो क्यों नहीं? हाँ of course, business की ही बात करनी है, ये हमारी प्रायोरिटी है, हम काम कर रहे हैं यहाँ। क्या चेंजेस हैं इसमें? आपने मुझे कहा था कि स्लोगन को एम्फसाइज करना है। हमारे स्लोगन्स इन्फ्लुएंसिंग है, चैलेंजिंग है और अट्रैक्टिव भी। मुझे वॉयेज टू अनरीचेबल में दिखाई नहीं दिया, पर अब है। मुझे यहाँ लिखना पड़ा कि कैसे अनरीचेबल, चैलेंजिंग है, अट्रैक्टिव और इन्फ्लुएंसिंग है। मेरा मतलब कि ये वॉयेज हार्ड है, मेरे कहने का मतलब है कि ये वॉयेज तुम्हारा हार्ट डिटरमाइन करेगा। कैसे? कहीं जाने की जरूरत नहीं, अगर तुम अपने दिल की सुनते हो तो वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। हाय, सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे लगता है तुम बिजी हो। ओके, मैं ये बाद में चेक कर लूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं, ये अर्जेंट है। hey, बोलन आ जाओ। पर वो ऑलरेडी अंदर आ गई है। क्या तुमने ये डेरिन को दिखाया? नहीं वो बिजी थी इसलिए मैं आपके पास चली आई। तुम उसे ये दिखा दो, मैं बाद में देख कर तुम्हें बता दूंगा। पर ये अर्जेंट था। प्लीज गुलिस को बताना कि वो चाय ले आए। अच्छा, गॉड ब्लेस यू डियर सनम, वी विल सी दैट बेटर। तो कैसे हो जान? गाइस, का तुम लोग को पता है यहाँ पोलन क्यों आई है? ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे भी। मुझे लगता है वो साथ अबाउट भी जाने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। मिस्टर जान काफी तेजी में निकल रहे। देखो जान, तुम तो जानते हो ना कि मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहती, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमसे बेहतर ये कोई नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता पोलन, यहाँ पहले से ही काफी डिस्टर्बिंग और प्रॉब्लमेटिक चीजें हुई है, पहले मुझे यहाँ सब ठीक करना होगा, उसके बाद देखो। ठीक है जान, ठीक है, पर वो खुद का काम खुद कर सकते हैं, तुम्हें बस जाके उन्हें डायरेक्शन देना है और एक शेड्यूल बनाना है, बस इतना ही। अब तुम्हें डिसाइड करना है, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें इन चीजों की जरूरत है जान, तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। एक्चुअली ये रूट तो अच्छा है और कई दिनों से मैंने ट्रैवल भी नहीं किया है, और ऑनेस्टली कहूँ तो दूसरे देश में रहना मेरे लिए काफी अच्छा होगा। एग्जैक्टली, यही मैं कह रही थी।
अगर तुम चाहो तो हम दोनों वहाँ जा सकते हैं, यू नो मतलब एक साथ, और साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पर पहले प्लीज खुद के बारे में सोचो। जानते हो जान, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, मैं वो कर लूंगा। कूल। मिस्टर जान ने सनीम के साथ ब्रेकअप कर लिया है। मिस्टर जान ने उसे छोड़ दिया। मैं बहुत नहीं झेल सकती, मैं सब फाड़ दूंगी, मैं नहीं झेल सकती। ये क्या कर रही हो तुम? मिसेस हम सारे ओल्ड कैंपेन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और मशीन खराब हो गई है, इसलिए हम हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सनीम वो काम कर रही है और वो काम ये अच्छा करती है ना सनीम, बताओ इन्हें। और तो यहाँ इस लड़की की ये ड्यूटी है राइट? नहीं, वो एक स्क्रिप्ट राइटर है। हाँ, स्क्रिप्ट राइटर है, परमानेंट स्टाफ है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस कंपनी में। सनीम अगर तुम चाहो तो तुम अपनी स्क्रिप्ट दोबारा लिख सकती हो, मैं पेपर्स फाड़ता हूँ। नहीं, मैं ये कर लूंगी। ठीक है, सॉरी। ऐसे एक्सीडेंटली लोगों को करियर मिल जाता है जिनका कोई मेरिट नहीं होता। नफरत है ऐसे लोगों से। बिल्कुल सही कहा। क्या कहा, एक्सीडेंटल करियर? अरे आप होती कौन हो ऐसा कहने वाली? हाँ, क्या आपने कभी काम किया है? हाँ, आपने तो अपने बच्चों को भी बचपन में छोड़ दिया था। अब लौट कर आई हो एक बिजनेस वुमन का मुखौटा पहन के। आइलिन चली गई और आप आ गई। मैं आप जैसे लोगों से तंग आ गया हूँ। आप जैसे औरतों की वजह से अब मुझे ऊंची औरतें पसंद नहीं आती। आप मेड्यूसा है, मेड्यूसा विद स्नेक्स। आप बस एक फेक इंसान है, हमें तो पता भी नहीं आपका असली चेहरा कैसा होगा। हाँ, और आप इन दोनों के प्यार के बीच कभी नहीं आ पाएंगी। मैं आने नहीं दूंगा, मेरी नजर आप पर ही रहेगी। सुन रही हो ना आप? आपने तो मुझे भी नहीं बख्शा है। आपको माँ होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस खुद से प्यार है और कुछ नहीं। तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जाओ और अपना काम करो। ओके मॉम। इसने मुझे मॉम कहा? मेरी तरह शांत रहा करो, सारी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगी। क्या तुमने उसे मॉम कहा? मैं इसके बाल खींच लूंगी, देखना तुम्हें। सरे, मैंने कहा ना शांत हो जाओ, देखो मेरी तरफ। Enough, enough.